हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी SCA स्मार्ट एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, क्लास 11th। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी रीडिंग विथ एक्सप्लेनेशन। तो हमें इस चैप्टर में देखना है कि क्या क्या इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं आज। तो क्या क्या हम कवर करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, नो व्हाट दी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट, इकोनॉमिक्स होता क्या है, फिर है अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक्स इज़ लिंक्ड विद द, हमें ये अंडरस्टैंड करना है इकोनॉमिक्स कैसे जुड़ा हुआ है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, किस चीज़ में, कंजम्पशन में, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में। अंडरस्टैंड वाई नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमें ये अंडरस्टैंड करना है क्यों जो नॉलेज है, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन हेल्प इन डिस्क्राइबिंग कंजप्शन। ये डिस्क्राइब करता है कंजप्शन को, प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को। और ये भी हमें जानना है कि हमें ये लर्न करना है इस सब्जेक्ट में, ये भी जानना है कि सम ऑफ द यूजेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो नाउ वाई इकोनॉमिक्स, यू हैव परहैप्स ऑलरेडी हैड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट फॉर योर अर्लियर क्लासेस एट स्कूल। आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं अपने दूसरे स्कूलों में। यू माइट हैव बीन टोल्ड दिस सब्जेक्ट इज मेनली अराउंड वॉट अल्फ्रेड मार्शल द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कॉल्ड द स्टडी ऑफ मैन इज द ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ओके, हम यही जानते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल जो कि एक फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, जो इकोनॉमिक्स की खोज किए हैं, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। वॉट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इज ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विस फॉर प्रॉफिट। बिजनेस वो होता है एक एक्टिविटी, एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है जिसमें कि एक पर्सन गुड्स को प्रोड्यूस करता है, फिर उसको बेचता है और सर्विस प्रोवाइड करता है, किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट के लिए। When you buy goods, जब आप सामान goods खरीदने जाते हैं, you may want to satisfy your own personal needs or those of your family or those of any other person to whom you want to make a gift, you are called a consumer. जब भी आप सामान खरीदने जाते हैं, या तो अपने लिए, या तो अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए, या फिर आप ऐसे के लिए जिसको आप गिफ्ट देना चाहते हैं, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर। सिंपल सी चीज़ ये, जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो आप क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर। When you sell goods to make a profit for yourself, जब आप goods को बेचने जाते हैं अपने लिए, profit के लिए, for yourself, फिर you may be a shopkeeper। एक shopkeeper को आप देखे होंगे जो दुकान पर बैठता है, वो क्या करता है, सामान को बेचता है अपने profit के लिए, उसे हम बोलते हैं seller। When you produce goods, you may be a farmer or a manufacturing company। जब आप गुड्स को बनाते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो आप या तो किसान होते हैं, फार्मर, या तो एक कंपनी होते हैं, और प्रोवाइड सर्विसेज, या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कैसी सर्विस प्रोवाइड कैसे करते हैं, बी अ डॉक्टर, जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है। पोर्टल इज़ अ पर्सन हु कैरी लगेज, जैसे आप रेलवे स्टेशन में जाइए, जो सामान कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। टैक्सी ड्राइवर हो गए, जो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करते हैं। या ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर, उन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। व्हेन यू आर इन अ जॉब वर्किंग फॉर सम अदर पर्सन, जब आप एक कहीं पे काम करते रहते हैं, किसी और के लिए वर्क करते रहते हैं, एंड यू गेट पेड फॉर इट, और उसके लिए आपको पैसा मिलता है। यू मे बी एम्प्लॉयड बाय समबडी हु पे यू वेजेस और सैलरी, आप किसी के लिए एम्प्लॉय मतलब काम कर रहे हैं और उसके बदले यू आर गेटिंग अ वेजेस और सैलरीज। सैलरीज यू आर कॉल्ड एन एम्प्लॉय, आप उस जगह पे एम्प्लॉय कहलाते हैं। व्हेन यू एम्प्लॉय समबडी गिविंग देम अ वेजेस, जब आप किसी को काम पे रखते हैं और उसके बदले आप उसको पैसा देते हैं, यू आर एन एम्प्लॉयर, तब आप हैं एम्प्लॉयर। इन ऑल दीज केसेज यू विल बी कॉल्ड द गेमफुली एम्प्लॉयड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन सारे केसेज में हम एक बहुत ही
एम्प्लॉय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वन दैट आर अंडरटेकन फॉर अ मोनेट्री गेन। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो कि आर वन दैट आर अंडरटेकन फॉर मोनेट्री गेन। पहले हम जानेंगे व्हाट इज मोनेट्री। मोनेट्री इज अ मनी। जहाँ पे भी हम मनी के बारे में बात करते हैं वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रॉफिट। दिस इज व्हाट इकोनॉमिस्ट मीन बाय ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसीलिए हम जो इकोनॉमिस्ट हैं इस चीज़ को, इस पूरे साइकिल को बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। सो नाउ टू एक्टिविटीज आर हियर। रीड दिस एक्टिविटी एंड कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन योर नोटबुक, ठीक है, एंड अटैच विथ योर PDF। देन कम टू द नेक्स्ट वन। वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। हम लोग कोई भी चीज़ के लिए, हम लोग को फ्री, इसका मतलब क्या हुआ, हमें कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसके बदले हमें कोई चीज़ देनी पड़ती है। इफ़ यू एवर हर्ड द स्टोरी ऑफ अलादीन एंड हिज मैजिक लैम्प, जब आपने ये स्टोरी तो पढ़ी होगी अलादीन और उसका चिराग, यू वुड एग्री दैट अलादीन वॉज अ लक्की गाय। आप लोग इस चीज़ के लिए एग्री होंगे कि वो एक बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति था। क्यों? वैन एवर एंड वॉट एवर ही वॉन्टेड, कभी भी और कुछ भी उसको जब भी चाहिए होता था, ही जस्ट हैड टू रब हिज मैजिक लैम्प, उसको बस अपना चिराग जो है रब करना रहता था, एंड अ जिनी अपीयर टू फुलफिल हिज विशेज, जिनी वहाँ पे आ जाता था उसकी विश पूरी करने के लिए, जो भी चीज़ उसको चाहिए होती थी। वैन ही वॉन्टेड अ पैलेस टू लिव इन, जब उसे एक पैलेस चाहिए होता है, महल चाहिए होता है उसमें रहने के लिए, द जिनी इंस्टेंटली मेड वन फॉर हिम, जिनी जो है तुरंत उसके लिए एक पैलेस बना देता है। When he wanted expensive gift to bring to the kings when asking for his daughter's hand, जब उसे बहुत ही महंगा गिफ्ट उपहार चाहिए होता है, किस लिए, अपने किंग को देने के लिए, उसको खुश करने के लिए, क्यों, ताकि वो उसकी डॉटर से मैरिज कर सके, he got them at the bat of an eyelid, वो तुरंत उस चीज़ को वो उसे मिल जाती है, कि कैसे, जिनी के थ्रू। इन रियल लाइफ, लेकिन क्या ये संभव है रियल लाइफ में, क्या ये संभव है, नहीं, वही चीज़ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन रियल लाइफ वी कैन नॉट बी एज लक्की एज अलादीन, ये रियल लाइफ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दो लाइक हिम वी हैव अनलिमिटेड वॉन्ट, हाँ अलादीन की तरह हम लोग के जो वॉन्ट्स है, जो हमारी ज़रूरत है, वो भी अनलिमिटेड है, वो भी पूरी कभी नहीं हो सकती। We do not have a magic lamp, लेकिन हम लोग के पास चिराग नहीं है। Take for example the pocket money that you get to spend, जो pocket money आपको मिलता है खर्चा करने के लिए, if you had more of it then you could have purchased almost all the things you wanted, अगर आपके पास खूब ज़्यादा pocket money मिलता है तो जो जो चीज़ आपको चाहिए होती सारी चीज़ें आप खरीद लेते हैं। बट सिंस योर पॉकेट मनी इज लिमिटेड, लेकिन आपकी पॉकेट मनी जो रहती है लिमिटेड रहती है, जो आपके पेरेंट्स जो आपको पॉकेट मनी देते हैं वो एक सीमित देते हैं, तो आप क्या करते हैं, यू हैव टू चूज ओनली दोज थिंग्स दैट यू वॉन्टेड द मोस्ट, आपको वही चीज़ फिर चूज करते हैं, वही चीज़ आप परचेज करते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स जो है लिमिटेड पॉकेट मनी देते हैं, तो उस पॉकेट मनी से आप वही चीज़ खरीदते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। This is a basic teaching of economics, ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो हम economics में पढ़ते हैं। Now अगेन एक्टिविटी इज गिवन हीयर, टू एक्टिविटी इज गिवन हीयर, रीड दिस एक्टिविटी एंड कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन योर नोटबुक। नाउ नेक्स्ट, स्कैसिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ओके, व्हाट इज स्कैसिटी? स्कैसिटी होता है कमी, जो कि हमारे लाइफ में हर चीज़ की, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। क्या है स्कैसिटी? इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कमी जो है ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कोई चीज़ की कमी होना। हैड देयर बीन नो स्कैसिटी देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अगर हमें कोई चीज़ की कभी कमी नहीं होगी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी।
एंड यू वुड नॉट हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स आइदर, और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होती तो आप कोई चीज़ खरीदने या बेचने नहीं जाते। अगर आप खरीदने जाएंगे तो उस खरीदने के चक्कर, इफ़ यू वॉन्ट टू बाई समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग। अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो आपको कोई चीज़ उसके बदले देनी पड़ती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ की कमी कभी नहीं होगी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कभी होगी नहीं। जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट वॉट एल्स वी हैव टू लर्न दिस चैप्टर, नाउ लिसन केयरफुल। इन आवर डेली लाइफ वी फेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्कैसिटी। हम रोज़ अपने लाइफ में जो है हम लोग बहुत ही ऐसी अलग अलग प्रकार की कमी को महसूस करते हैं। क्या? द लॉन्ग क्वाइंच एट रेलवे बुकिंग काउंटर्स, खूब लंबी लाइन जो रेलवे, जब आप टिकट बुक करने जाएंगे तो रेलवे काउंटर पे बहुत लंबी लाइन लगी रहेगी, वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्राउडेड बसेस, बहुत भीड़ बस में, देन एंड ट्रेन में भी खूब ज़्यादा भीड़ आप फेस करते हैं प्रॉब्लम। शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज़ मतलब गुड्स, जो माल होता है, जो सामान होता है, उसे हम बोलते हैं कॉमोडिटीज़। तो शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज़, कमी जो जो बहुत ज़रूरी सामान की कमी, फिर द रश टू गेट अ टिकट टू वॉच अ न्यू फिल्म, फिर रश करना जल्दी से जाके जो आपको न्यू मूवी देखना उसका टिकट लेना, आर ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्कैसिटी। ये सारी चीज़ें जो है, मैनिफेस्टेशन मतलब चर्चित शब्द, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि स्कैसिटी के लिए यूज़ होते हैं। वी फेस स्कैसिटी, हम लोग कमी इसलिए फेस करते हैं, क्यों? बिकॉज द थिंग्स दैट सेटिस्फाई आवर वॉन्ट्स आर लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी। जो थिंग्स दैट सेटिस्फाई आवर वॉन्ट, जो थिंग जो हमें सेटिस्फाई करती है, जो हमारी चीज़ों को सेटिस्फाई करती है, आर लिमिटेड, ये बहुत ही कम में है। इन अवेलेबिलिटी मतलब जो हमें सेटिस्फाई करती हैं चीज़ें, वो बहुत ही लिमिटेड में हैं, जिससे कि हमें इस स्कैसिटी को फेस करना पड़ता है। कैन वी थिंक ऑफ सम मोर इंस्टेंस ऑफ स्कैसिटी। अब हम और चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं जो स्कैसिटी के लिए, स्कैसिटी जिसकी वजह से होती है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। द रिसोर्सेज विच द प्रोड्यूसर हैव आर लिमिटेड एंड ऑल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जो रिसोर्सेज, जो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है गुड्स को, जो गुड्स को बनाता है, उसके पास जो रिसोर्स है उस गुड्स को बनाने के लिए, वो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, और उससे और भी अलग चीज़ें उसको बनाना है तो कैसे बनाएगा। टेक द केस ऑफ फूड दैट यू ईट एवरी डे। जो आप वही देख, जो आप खाना, जो फूड है जो आप रोज़ आपको खाना होता है डेली, इट सेटिस्फाइज योर वांट ऑफ नरिशमेंट। ये आपका सेटिस्फाई करता है आपकी अंदरूनी चीज़ को, आपके बॉडी को। फार्मर्स एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर रेज क्रॉप्स दैट प्रोड्यूस योर फूड। फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, एग्रीकल्चर में काम, एग्रीकल्चर मतलब जमीन पे जाके काम करते हैं, किस लिए? टू ग्रो द क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाने के लिए, दैट प्रोड्यूस योर फूड, जो कि क्या करेगा, आपके जो आप खाना खाते हैं उसको प्रोड्यूस करेगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर लाइक लैंड, लेबर, वाटर, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा आर गिवन। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और कभी भी मतलब किसी भी टाइम पे हमें इस रिसोर्सेज को उगाने के लिए, मतलब कि जो क्रॉप्स है उसको उगाने के लिए हमें अलग अलग रिसोर्सेज को चाहिए होता है। कभी भी टाइम क्या क्या रिसोर्स होता है, लैंड, वाटर, और क्या होता है, लेबर, फिर होता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होता है, उपजाऊ, जो हम लोग उपजाऊ करने के लिए, उस क्रॉप्स को उगाने के लिए जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, ये चीज़ें हमें, ये सारी रिसोर्सेज हमें चाहिए होती हैं क्या चीज़ के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, टू प्रोड्यूस दी क्रॉप्स। ऑल दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ये सारे रिसोर्सेज का अलग अलग यूजेस होता है। द सेम रिसोर्सेज कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन फूड क्रॉप्स,
यही सेम चीज़ जो है, जो लैंड वाटर लेबर फर्टिलाइज़र, यही सेम रिसोर्सेज जो है हमें क्या चीज़ के लिए, क्या चीज़ के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, प्रोडक्शन ऑफ नॉन फूड क्रॉप्स, जो कि नॉन फूड क्रॉप जिसको हम उगा नहीं सकते उस चीज़ के लिए भी ये चीज़ें रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, जैसे रबर कॉटन जूट। रबर कॉटन जूट इज़ अ नॉन फूड प्रोडक्ट, ये खाने की चीज़ें नहीं होती है, लेकिन तब भी हमें जो रिसोर्सेज लैंड वाटर लेबर और फर्टिलाइज़र, ये सारी रिसोर्सेज हमें रबर कॉटन और जूट ये बनाने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। ठीक, तो इसीलिए हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन उसके यूजेज जो है बहुत ज़्यादा है, जैसे आपके सामने मैंने अभी रीडिंग किया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। 10 अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन डिफरेंट कॉमोडिटीज डैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई दोज रिसोर्सेज। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, अब हमें अलग अलग प्रकार की जो उस रिसोर्स के यूजेज हैं, अब क्या क्या प्रॉब्लम उससे अराइज होता है, चॉइस बिटवीन डिफरेंट कॉमोडिटीज। ठीक है, डिफरेंट कॉमोडिटीज, फिर हमें एक चॉइस हमें देनी पड़ती है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना है उस रिसोर्सेज से, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्स लिमिटेड फॉर्म में है, हमारे पास कम मात्रा में, तो अब हमें चॉइस एक बनानी होती है कि उस रिसोर्स से हमें किस टाइम पे क्या चीज़ प्रोड्यूस करना है, या फूड आइटम प्रोड्यूस करना है या नॉन फूड आइटम प्रोड्यूस करना है। Now next, now again activity is given here. Okay, these two activity you have to read this activity and complete it. If you find any difficulty, student, please feel free to ask from me. Now next we will study about the consumption, production and distribution. Now we will study about the consumption, production and distribution. If you thought about it, you might have realized that economics involve the study of men engaged in economic activity of various kind. Okay, economic क्या होता है? Economics हमारा वो होता है जो कि study बताता है कि क्या चीज़ की study बताता है कि जो person है वो engage होता है different economic activities में, different economic activities में involve होता है, कैसे, ये पूरा साइकिल है क्या, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। नाउ नेक्स्ट, फॉर दिस यू नीड टू नो रिलायबल फैक्ट डैट ऑल द डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमें इस चीज़ को जानने के लिए एक फैक्ट हमें पढ़ना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, क्या चीज़, लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्कस्ड इन थ्री पार्ट्स। इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक भी डिस्कस किया गया, इस पूरे इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया गया है थ्री पार्ट में, इसको एक्सप्लेन किया गया है थ्री पार्ट में, कौन कौन सा है, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है थ्री पार्ट में। फर्स्ट वन इज कंजम्पशन, सेकेंड वन इज प्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंजम्पशन। वी वॉन्ट टू नो हाउ द कंज्यूमर डिसाइड्स गिवेन हिज इनकम एंड मनी अल्टरनेटिव गुड्स टू चूज फ्रॉम what to buy when he knows the prices. This is the study of consumption. Okay, consumption क्या होता है, we want to know how the consumer decides. हमें ये जानना है कि consumer कैसे decide करता है क्या चीज़, given his income and many alternative goods to choose from. उसको income दी जाती है और खूब ढेर सारी उसको चीज़ें दी जाती हैं, और उस चीज़ें मतलब goods, उस goods में से उसको choose करना होता है क्या, What to buy when he knows the price? क्या चीज़ हमें ख़रीदना है जब उसे वो चीज़ की प्राइस पता चल जाती है, उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन। फिर से हम पढ़ते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन वो होता है कि जब कंज्यूमर को डिसाइड करना होता है, जब उसे सैलरी मिल जाती है, जब उसे विजेस मिल जाती है, जब उसे इनकम मिल जाती है, तो कंज्यूमर को ये डिसाइड करना होता है कि उसके पास गुड्स, जो अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ गुड्स, जो गुड्स हैं उसके पास बहुत सारे, लेकिन उसके इनकम के अकॉर्डिंग, उसके सैलरी के अकॉर्डिंग, उसको कौन सा गुड्स परचेस करना है, और क्या चीज़ एक और देखना है, व्हेन ही नोज द प्राइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, उसे
कब डिसाइड करना है कि वो गुड्स परचेस करना है, जब उसे वो प्राइस के बारे में, उस गुड्स के प्राइस के बारे में पता चल जाए, उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है? एक कंज्यूमर को डिसाइड करना होता है, जब उसे इनकम मिल जाती है, उसको डिसाइड ये करना होता है क्या कि उसको अल्टरनेटिव गुड्स, उसको खूब ढेर सारे गुड्स दे दिए जाते हैं चूज़ करने के लिए कि उसको कौन सा गुड्स खरीदना है, और उसको ये डिसाइड करना है कि किस प्राइस पे उसको वो गुड्स खरीदना है। ठीक है, जब उसको ये डिसाइड करना होता है उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन। नाउ नेक्स्ट, वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो हाउ द प्रोड्यूसर सिमिलरली चूजेज वॉट एंड हाउ टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, दिस इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे कंजम्पशन। प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना होता है कि हमारा इस मार्केट के हिसाब से क्या चीज़ प्रोड्यूस करना है, वॉट एंड हाउ टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, क्या चीज़ प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, ये प्रोड्यूसर को जो डिसाइड करना होता है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अब आप मार्केट में गए, अब मार्केट में पहले तो प्रोड्यूसर को ये देखना होता है कि कौन से गुड्स का डिमांड ज़्यादा है। ठीक, तो वो चीज़ को वो उसको पर उसको क्या करेगा, वो उसको ये डिसाइड करना होता है क्या चीज़ प्रोड्यूस करना है, क्या चीज़ बनाना है, कौन सा गुड्स बनाना है और कैसे उस गुड्स को बनाना है, उसे हम बोलते हैं, उस स्टडी को बोलते हैं, उस साइकिल को बोलते हैं प्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट, फाइनली वी वॉन्ट टू नो हाउ द नेशनल इनकम और द टोटल इनकम अराइजिंग फ्रॉम वॉट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वॉट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? सकल घरेलू उत्पाद, घर के जो सामान होते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट। वी विल लीव असाइड हियर इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, दिस इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉट इज ट्रेड? ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं व्यापार, और इन्वेस्टमेंट निवेश करना, इन्वेस्ट करना किसी चीज़ में, उसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नेक्स्ट, बिसाइड दीज थ्री कन्वेंशनल डिविजन्स ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स अबाउट विच वी वॉन्ट टू नो, बिसाइड दीज थ्री कन्वेंशनल डिविजन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, हमें जब इस थ्री पार्ट को जो जो रहते हैं डिफरेंट पार्ट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हमें करते हैं, नाउ अबाउट विच वी वॉन्ट टू नो ऑल द फैक्ट, मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैज़ टू इंक्लूड सम ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम फेसिंग द कंट्री फॉर स्पेशल स्टडीज। हमें क्या, मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैज़ टू इंक्लूड सम ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिक्स है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, वो कुछ प्रॉब्लम है जो फेस करता है। क्या प्रॉब्लम फेस करता है? फेसिंग द कंट्री फॉर स्पेशल स्टडीज, अच्छी पढ़ाई के लिए। इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये प्रॉब्लम फेस करता है कि सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम है एक कंट्री में एक अच्छी स्पेशल एजुकेशन इकोनॉमिक्स को लेके, वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम फेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट वॉन्ट टू नो वाई और टू वॉट एक्सटेंट सम हाउस होल्ड इन आवर सोसाइटी हैव दी कैपेसिटी टू अर्न मच मोर देन अदर्स। एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि यू माइट वॉन्ट टू नो, आपको ये चीज़ जानने की बहुत उत्सुकता रहता है क्या, वाई और टू वॉट एक्सटेंड सम हाउस होल्ड, वॉट डू मीन बाई हाउस होल्ड? हाउस होल्ड गृहस्थी, जो गृहस्थी चलाते हैं उसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड इन आवर सोसाइटी हैव द कैपेसिटी, जो गृहस्थी चलाने की जो कैपेसिटी होती है सोसाइटी में, कैपेसिटी क्या, क्षमता होती है, टू अर्न मच मोर देन दी अदर्स, कि हमें जो है इस मतलब जो जितना अगला गृहस्थी चला रहा है, जितना उसकी क्षमता है, उससे हमें और अच्छा गृहस्थी अपनी चलानी है। यू मे वॉन्ट टू नो हाउ मैनी पीपल, ये भी आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं क्या, यू मे वॉन्ट टू नो
हाउ मैनी पीपल इन द कंट्री आर रियली पुअर, ये भी बहुत ज़रूरी आप जानना चाहते हैं कि इस कंट्री में कितने लोग जो हैं, हाउ मैनी पीपल, कितने लोग जो हैं बहुत गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, एंड हाउ मैनी आर रिलेटिवली रिच एंड सो ऑन, और कितने लोग जो हैं जो रिच हैं। यू मे वॉन्ट टू नो हाउ मैनी आर इलिटरेट, ये भी आपको जानना, ये भी आप जानना चाहते हैं कि कितने लोग जो हैं इलिटरेट हैं, जो अनपढ़ हैं। हु विल नॉट गेट जॉब, जो जिनको जॉब नहीं मिल सकती, रिक्वायरिंग एजुकेशन, उनको एजुकेशन की, पढ़ाई की बहुत ज़रूरत रहती है। हाउ मैनी आर हाईली एजुकेटेड, जो कि कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए हुए हैं, एंड विल हैव द बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज, और उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, अवसर रहता है जॉब के लिए, एंड सो ऑन। इन अदर वर्ड्स, यू मे वॉन्ट टू नो मोर फैक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आप ये भी, आपको बहुत ज़्यादा जानने की उत्सुकता होती है क्या, कि नंबर्स दैट वुड आंसर क्वेश्चन अबाउट पोवर्टी एंड डिस्पेरिटी इन सोसाइटी, ये भी आप बहुत ज़्यादा जानने की उत्सुकता रहती है कि क्या पोवर्टी, कि गरीबी और डिस्पेरिटी, डिस्पेरिटी मीन्स असमानता, इस सोसाइटी में जो असमानता है वो कितनी है, और पोवर्टी जो है वो कितनी है। इफ़ यू डू नॉट लाइक द कंटिन्यूएशन ऑफ पोवर्टी, अगर आपको पोवर्टी नहीं रहना है, पुअर नहीं रहना है, एंड ग्रॉस डिस्पैरिटी और असमानता नहीं देखना है, एंड वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट द इल्स ऑफ सोसाइटी, और जो इस सोसाइटी की जो कमी है उसको पूरा करना है, यू विल नीड टू नो द फैक्ट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। अगर आपको गरीब नहीं रहना, पोवर्टी, पुअर नहीं रहना, अगर आपको इलिटरेट नहीं रहना है, अगर आपको असमानता, जो सोसाइटी में जो अलग अलग चीज़ों को अपने नज़रिए से दिखाए वो चीज़ नहीं रहना है, तो इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस चीज़ के बारे में दूसरों को बता सकेंगे। Now next, all these things before you can ask for appropriate action by the government. If you know the fact, it may be possible to plan your own life better. अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में सही चीज़ें पता हो जाए तो बहुत ईजी हो जाता है, आप अपनी लाइफ को अच्छी ट्रैक पे, अच्छी जगह पे चलने के लिए। Similarly, you hear of, some of you may even have experienced disaster. आप लोग ये भी सुने होंगे कि बहुत ज़्यादा कई जगह ऐसी प्रॉब्लम होती है, सुनामी आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, बर्ड फ्लू आ जाता है, dangers threatening our country, जो बहुत ही खतरा रहता है दूसरी कंट्री से, and so on, that affect man's ordinary business of life. ये बहुत ही ज़्यादा इंसान के पर्सनल लाइफ के ordinary business of life को अफेक्ट करता है। क्या चीज़, अगर आपको ये पता हो जाए कि सुनामी आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, बर्ड फ्लू आने वाला है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो जाए और कोई दूसरी कंट्री जो है आपकी कंट्री को धमकी दे रही है, जब ये चीज़ें आपको पता चल जाए तो आप लोग की जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जो आपकी बिजनेस ऑफ लाइफ है, जो आपकी डेली लाइफ है, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। आप बहुत ही, कैसे, आप डर जाएंगे। जैसे अभी का देखिए, इस समय क्या है, COVID-19 चल रहा है, जिसकी वजह से आप क्या करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप गुड्स परचेस करके अपने घर में रख ले रहे हैं, ताकि आपको, मतलब खुदा ना खास्ता कहीं पूरा लॉकडाउन हो जाए, कुछ सामान ना मिले डर के मारे, तो ये हमारे इफ़ेक्ट करता है बिजनेस ऑफ लाइफ, ये पूरे हमारे लाइफ साइकिल को इफ़ेक्ट करता है, कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो। इकोनॉमिस्ट कैन लुक एट दीज थिंग्स प्रोवाइडेड दैट दे नो हाउ टू कलेक्ट एंड पुट टुगेदर द फैक्ट अबाउट दीज डिजास्टर्स कॉज सिस्टमेटिकली एंड करेक्टली। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनको ये पता रहता है कि कैसे हमें हर चीज़ों को ऐसे इस डिजास्टर से बचाने के लिए सिस्टमेटिकली और करेक्टली हमें चीज़ों को यूज़ करना है, हमें गुड्स को यूज़ करना है, ताकि किसी को भी कोई चीज़ की परेशानी, प्रॉब्लम ना हो। यू मे Perhaps thinks about it and asks yourself whether it is right that modern economics
नाउ इंक्लूड लर्निंग द बेसिक स्किल्स. व्हाट डू यू मीन बाय स्किल्स? स्किल कौशल, आपका कौशल कितना डेवलप है, आपका स्किल कितना डेवलप है. इन्वॉल्व इन मेकिंग यूजफुल स्टडीज फॉर मेजरिंग पॉवर्टी. हाउ इनकम आर डिस्ट्रीब्यूटेड. हाउ अर्निंग अपॉर्चुनिटी आर रिलेटेड टू योर एजुकेशन. हाउ इन्वायरमेंटल डिजास्टर अफेक्ट आवर लाइफ एंड सो ऑन. ओके नाउ अब क्या है इसमें, यू मे परहैप्स थिंक्स अबाउट इट एंड आस्क योरसेल्फ. आपको ये चीज़ सोचना है और अपने से ये चीज़ पूछना है क्या, वेदर क्या ये सही होगा कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है उसमें ये सारी चीज़ें जोड़ना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए क्या. लर्निंग द बेसिक स्किल, हमें लर्न करना चाहिए बेसिक स्किल, बेसिक कौशल को क्या क्या. इन्वॉल्व इन मेकिंग यूजफुल स्टडीज़ फॉर मेजरिंग पॉवर्टी, हमें ऐसी चीज़ें जोड़ना चाहिए इकोनॉमिक्स में. ये क्या ये सही होगा, ये चीज़ें जोड़ना क्या चीज़. पहले तो पॉवर्टी को मेज़र करना, जो गरीबी है उसको मेज़र करना. फिर और क्या है, हाउ इनकम आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकम जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है. हाउ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर रिलेटेड टू योर एजुकेशन, जो कमाने का जरिया होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, वो कैसे एजुकेशन से जुड़ा हुआ है. हाउ इन्वायरमेंटल डिजास्टर अफेक्ट योर लाइफ, जो डिजास्टर जैसे सुनामी आपका हो गया, अर्थक्वेक हो गया, COVID-19 हो गया, ये कैसे आपकी चीज़ों को, आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है. ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा हमें ये इंक्लूड करना ज़रूरी है, ताकि ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए. ऑब्वियसली इफ़ यू थिंक अलोंग दीज लाइन्स विल यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट वाई वी नीडेड स्टैटिस्टिक्स विच इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स रिलेटिंग टू सेलेक्टेड फैक्ट इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म. अब ये सही बात है कि ये सारी चीज़ों को हमें मेज़र करना, पॉवर्टी को, डिजास्टर से कैसे बचा जाए, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है. और फिर अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ते हैं हम, यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट वाई वी नीडेड स्टैटिस्टिक्स. आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स भी हमें इकोनॉमिक्स के साथ बहुत ही ज़रूरी है. क्यों, विच इज़ द स्टडी ऑफ नंबर रिलेटिंग टू द सेलेक्टेड फैक्ट इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म. क्या कि खूब ढेर सारा डाटा कलेक्ट होता है, उसमें से जो स्पेसिफिक, जो इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा सा डाटा, उसको हम लेंगे, नंबर ऑफ डाटा को, और उससे हम पूरे उससे हम जो है एक रिलेवेंट जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. इसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स. टू बी एडेड टू ऑल मॉडर्न कोर्सेज ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स को भी इकोनॉमिक्स में हमेशा ऐड करना चाहिए. क्यों, इकोनॉमिक्स में हमेशा ऐड करना चाहिए क्या चीज़, कोर्सेज ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स में. नाउ नेक्स्ट, वुड यू नो एग्री विद द वुड यू नाउ एग्री विद द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दैट मैनी इकोनॉमिक्स यूज. क्या आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो वेरियस, जो बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो हैं डिफाइन किए हैं, क्या आप उससे एग्री हैं? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केयर्स रिसोर्सेज. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज द एम्प्लॉय स्केयर्स रिसोर्सेज. इकोनॉमिक्स हमारी वो चीज़ है जो हमें सिखाता है कि जो पीपल है, जो सोसाइटी है, वो कैसे एक लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज. और इन ऑर्डर टू यूज़, हमें उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, पर्सन और सोसाइटी उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं कैसे, उसको डिफरेंट कॉमोडिटीज़ को, डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, डैट सेटिस्फाई देयर वॉन्ट, जो कि सेटिस्फाई करता है खुद की ज़रूरत को, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन. और वो डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको किया जाता है किस लिए, कंजम्पशन के, ताकि वो उस चीज़ को यूज़ कर सकें, कंज्यूम कर सकें, अमंग वेरियस पर्सन्स एंड ग्रुप इन सोसाइटी, दूसरे दूसरे लोगों में और दूसरी दूसरी सोसाइटी में, ठीक है. इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स वो होता है जो कि स्टडी बताता है कि जो डिफरेंट पीपल होते हैं, डिफरेंट सोसाइटी जो होती है, उनको रिसोर्स यूज़ करना होता है एक लिमिटेड
उनको रिसोर्स मिलता है, उस लिमिटेड रिसोर्स को उनको यूज़ करना होता है कैसे, टू प्रोड्यूस इन डिफरेंट कॉमोडिटीज़, उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटीज़ को कैसे प्रोड्यूस करें और फिर उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, किसको, पर्सन को, सोसाइटी को, ताकि वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सके, इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। नाउ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। नाउ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, अब हमें क्या पढ़ाई करना है कि इकोनॉमिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर। In the previous section, you were told about the certain special studies that concern the basic problem facing a country. अभी हम लोग previous जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उसमें हम ये देखते हैं कि कैसी कैसी basic problem जो कि हम face, जो country face करती है, ठीक है। These studies requires that we know more about economic fact. ये स्टडीज़ जो है रिक्वायर करती है, मतलब ये चीज़ हमें ये चाहती है कि इकोनॉमिक फैक्ट जब उसको मिलेगा, जब ज़रूरत की डाटा, इकोनॉमिक डाटा, जब इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन उसे मिलेगी, तब वो उस स्टडीज़ को पूरा कर सकती हैं। सच इकोनॉमिक फैक्ट आर कॉल्ड इकोनॉमिक डाटा, जो इन्फॉर्मेशन रहती है इकोनॉमिक, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डाटा। The purpose of collecting data about these economic problem is to understand the purpose of collecting data about these economic problems. The purpose जो import जो ज़रूरत होती है data को collect करना about these economic problem, ये सारी economic problem की, is to understand and explain these problem in terms of the various causes behind them. In other word, we try to analyze them. What do you mean by analyze? विश्लेषण करना, उसके बारे में जानना। For example, when we analyze the hardship of poverty, जब हम जो poverty कैसे हुआ, किस क्या problem थी, जब उसको हमें जानना होता है तो हमें क्या करना होता है, we try to explain it in terms of various factors। फिर हम उसको explain करते हैं different different factors में, different different चीज़ों के through कि poverty कैसे आई, पॉवर्टी की मेन कॉजेस क्या है। तो कैसे हम जानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मींस आपका बेरोजगारी हो गया, फिर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल हो गया, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से पॉवर्टी आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट वॉट पर्पज डज द एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी सर्व अनलेस वी आर एबल टू फाइंड वेज टू मिटिगेट इट। मिटिगेट मीन्स कम करना, हमें क्या है, बट वॉट पर्पज डज द एनालिसिस, हमें क्या, कौन सा ऐसा एनालाइज, कौन सा ऐसा चीज़ हम यूज कर रहे हैं, कौन सा पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं प्रोसीजर। वी मे देयर फोर ऑल्सो ट्राई टू फाइंड दोज मेजर्स डैट हेल्प सॉल्व एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमें और भी ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करनी है जिससे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व की जाए। इन इकोनॉमिक्स सच मेजर्स आर नोन एज पॉलिसीज, इकोनॉमिक्स में उन चीज़ों को हम बोलते हैं पॉलिसीज। पॉलिसीज मतलब नीतियाँ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन हम बनाते हैं किस लिए, उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और क्या, उस पॉवर्टी को हटाने के लिए। सो डू यू रियलाइज देन दैट नो एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड बी पॉसिबल विदाउट द डाटा। हम इकोनॉमिक डाटा के बारे में, इकोनॉमिक डाटा जो है, जो विश्लेषण जो हम करते हैं वो बिना डाटा के नहीं हो सकता है, बिना इंफॉर्मेशन के नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड दैट इन सच सिचुएशन नो पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड टू फॉलो टू सॉल्व इट, कोई भी पॉलिसीज, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन तब हम फॉलो नहीं कर सकते हैं इसको, इस प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा, जब हमारे पास डाटा ही नहीं होगा, तो हम क्या चीज़ से सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। इफ़ येस देन यू हैव टू अ लार्ज एक्सटेंट
अंडरस्टूड द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि रिलेशनशिप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बीच में होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में क्या हो गया, जैसे हमारी जो हमें ये इकोनॉमिक्स में, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पोवर्टी कैसे हो रही है, मेजर ऑफ पोवर्टी, फिर मेजर ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के टाइम पे हमें कैसे अपने को बचाना चाहिए, फिर और भी ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब कैसे हो रहा है, ये चीज़ें हम कैसे मेज़र करेंगे थ्रू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कैसे, कलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डाटा और फैक्ट, जो हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं, उससे हम एनालाइज करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कि हम कैसे इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। At this stage, you are probably ready to know more about statistics. You might very well want to know what the subject statistics is all about. आपको ये तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि स्टैटिस्टिक्स जो है इकोनॉमिक्स में क्यों ज़रूरत है, क्या स्टैटिस्टिक्स से हम इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। Now, that we will study here. Statistics deal with the collection, analysis, interpretation and presentation of numerical data. Statistics उस चीज़ से डील करता है, collection of data, analysis of data, interpretation of data. Interpretation मतलब व्याख्या करना, presentation of data और data को present करना, प्रस्तुत करना, ये चीज़ से of numerical data. ये सारी चीज़ें जो है statistics use करता है, deal करता है. Now next, it is the branch of mathematics and also used in the discipline such as accounting, economics, management, physics, finance, psychology and sociology. Statistics जो है एक branch है, statistics जो है एक शाखा है mathematics का, एक branch है mathematics जो math में हम use करते हैं statistics, और किस में use करते हैं, physics में use करते हैं, then आपका economics में use करते हैं, management में use करते हैं, finance में use करते हैं, accounting में use करते हैं, psychology में use करते हैं and sociology में use करते हैं। ये सारे अलग अलग areas में हम statistics को use कर सकते हैं, ठीक है। Here we are concerned with data from the field of economics. अब क्या है, हियर वी आर कंसर्न्ड विद डाटा फ्रॉम द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। मोस्ट इकोनॉमिक डाटा आर क्वांटिटेटिव, जो ज़्यादातर इकोनॉमिक डाटा होते हैं वो होते हैं क्वांटिटेटिव, मींस मात्रा में होते हैं, कम ज़्यादा ये मात्रा में स्टैटिस्टिक्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट इन इकोनॉमिक्स लाइक द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 39.58 मिलियन टन्स इन 1974-75 106.5 मिलियन टन इन 2013-14 इज़ अ क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा मतलब ना, जो 1974 से 1975 में जो आपका डाटा था राइस का, वो इंक्रीज हो गया 2013 और 14 में, तो उस डाटा को कम ज़्यादा जो है क्वांटिटेटिव डाटा, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इन एडिशन टू क्वांटिटेटिव डाटा, इकोनॉमिक्स आल्सो यूजेस क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा के साथ साथ इकोनॉमिक्स जो है क्वालिटेटिव डाटा भी यूज़ करता है, मतलब क्वालिटी डाटा भी यूज़ करता है, जो कि गुणवत्ता, उसकी उसकी अच्छाई के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में, इसे भी इकोनॉमिक्स यूज़ करता है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज दैट दे डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सिंगल पर्सन। व्हाट डू मीन बाय एट्रीब्यूट्स, गुण, उसकी अच्छाइयाँ, ठीक है, अच्छाइयाँ of a single person or a group of person that is important to required to record as accurately as possible even though they cannot be measured. हमें उसकी अच्छाइयाँ क्या है, बहुत ही important features, characteristics of the information is that
स्टैटिस्टिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, उसकी फीचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है वो एक अच्छाइयाँ, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सिंगल पर्सन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, वो एक अच्छाइयाँ जानना चाहता है एक पर्सन के बारे में और ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में। इट डैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉर्ड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्या, एक्यूरेसी एज पॉसिबल इवन दो दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वान्टिटेटिव टर्म। किसी पर्सन के बारे में उसकी अच्छाइयाँ जानना उस किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो कि क्वांटिटेटिव टर्म में हम नहीं बता सकते, ये चीज़ें हम क्वालिटेटिव डाटा में ही बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, जेंडर डैट डिस्टिंग्विश अ पर्सन एज अ मैन और वुमेन और बॉय और अ गर्ल। जेंडर जो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जेंडर होता है, वो एक पर्सन, एक बॉय, एक गर्ल, एक मैन, एक वुमेन, इसके बारे में बता सकता है, ये क्वालिटी ही बता सकता है, ठीक है। इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू स्टेट दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन इन टर्म ऑफ डिग्री, इन टर्म ऑफ डिग्री, वर्स, सिक, हेल्दी, मोर हेल्दी, अनस्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, सच क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स इज ऑफन यूज इन इकोनॉमिक्स एंड अदर सोशल साइंस एंड कलेक्टेड एंड स्टोर्ड सिस्टमेटिकली लाइक क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन प्राइस, इनकम, टैक्स पेड एक्सेट्रा, ठीक है। हम क्वालिटेटिव डाटा जो कि एक पर्सन के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में, उसके स्किल के बारे में, उसके नहीं उसके स्किल के बारे में, ये सारी चीज़ें भी इंफॉर्मेशन हम इकोनॉमिक्स में कलेक्ट करके रखते हैं सिस्टमेटिकली, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करके रखते हैं विद द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के साथ जो कि प्राइस, इनकम, टैक्स पेड, इन सब के साथ, वेदर फॉर अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ये एक पर्सन के लिए भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए भी हो सकता है। यू विल स्टडी इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर दैट स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ डाटा। हम अभी और आगे जो चैप्टर्स है उसमें हम ये भी जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डायग्रामेटिक एंड ग्राफ फॉर्म। जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है जो कि किस फॉर्म में हम स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, डायग्रामेटिक और ग्राफ फॉर्म में। द डाटा then are summarized by calculating various numerical indices such as mean, variance, standard deviation, etc. जो डाटा है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीन्स से, कैसे, मीन, मीडियम, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ से हम डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज़ में, स्टैटिस्टिक्स में। That represents the broad characteristics of the collected set of information. Finally, the data is analyzed and interpreted. Now next, again here activity is given here. I think you have understood what I have explained to you. So these two activities is given here. Again, read the chapter thoroughly, carefully, and complete this exercise, sorry, this activity. Now next, what statistics does? Statistics क्या करता है? अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। Statistics is an indispensable tool for an economic that help him to understand an economic problem. Statistics एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि इकोनॉमिक्स यूज़ करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए, क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड, उसको समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। यूजिंग इट्स वेरियस मेथड, स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हुए एफर्ट्स इज मेड टू फाइंड द कॉज बिहाइंड इट विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव फैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये पहले तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं कि क्वालिटी मेथड से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में। देन
वंस द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाइड, एक बार जब वो प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का जड़ पता चल जाता है, इट इज ईजियर टू फॉर्मुलेट सर्टेन पॉलिसीज टू टैकल इट। जब हमें उस प्रॉब्लम की जड़ पता चल जाता है, उस प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है वो पता चल जाता है, किस वजह से प्रॉब्लम है, तो तब हमें ईजी हो जाता है एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व सॉर्ट आउट करने में। बट देयर इज मोर टू स्टैटिस्टिक्स, लेकिन हमें और भी सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना है। इट अनेबल्स एन इकोनॉमिस्ट टू प्रेजेंट इकोनॉमिक फैक्ट, ये इकोनॉमिस्ट को हेल्प आउट करता है कि इकोनॉमिक फैक्ट के बारे में जानने के लिए, एंड डेफिनेट फॉर्म दैट हेल्प इन प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्रिहेंशन, समझना, कॉम्प्रिहेंशन मतलब कॉम्प्रिहेंशन ऑफ व्हाट इज स्टेटेड। स्टैटिस्टिक्स एक और हेल्प करता है कि इकोनॉमिक्स ये फाइंड आउट कर सके, समझ सके कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। व्हेन इकोनॉमिक फैक्ट आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैटिस्टिकल टर्म, जब इकोनॉमिक फैक्ट को स्टैटिस्टिकल फॉर्म में रख दिया जाता है, दे बिकम एग्जैक्ट, तब वो एक एग्जैक्ट हमें पता चल जाता है कि उसका क्या आंसर होगा। एग्जैक्ट फैक्ट आर मोर कन्विंसिंग देन वेग स्टेटमेंट, जो एग्जैक्ट फैक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि एक एक स्टेटमेंट से। फॉर इंस्टेंस सेइंग दैट विथ प्रिसाइज फिगर 310 इन कश्मीर 310 पीपल डाइड इन द रिसेंट अर्थक्वेक इन कश्मीर is more factual, thus the statistical data, whereas saying 100 of people died is not. ये ज़्यादा अच्छा रहेगा जब भी हम, जैसे अर्थक्वेक हुआ कहीं भी कश्मीर में, जैसे अर्थक्वेक अभी आया था उसमें 300 पीपल मर गए, अब हम उसमें ये कहें कि कुछ लोग मर गए, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये ज़्यादा सही है कि ये ज़्यादा बोलना सही है कि एक फैक्ट हमारे पास होना कि 300 पीपल आर डाइड, तो 300 पीपल आर डाइड, ये हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिली, जब हम इकोनॉमिक डाटा को, जब हम उस डाटा को जो एक्चुअल डाटा उसको स्टैटिस्टिक्स में रखा गया, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में रखा गया, तब हमें फाइंड आउट मिला कि क्या मिला हमें आंसर, कि 300 पीपल उसमें डेथ हो गई, तो ये ज़्यादा सही होता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्टैटिस्टिक्स आल्सो हेल्प इन कंडेंसिंग मास डाटा इनटू अ फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स सच एज मीन वेरियंस एक्सेट्रा अबाउट विच यू विल लर्न लेटर। स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्या चीज़ के लिए, कि बहुत ही ज़्यादा डाटा को वो कन्वर्ट कर देता है कि बहुत ही छोटे न्यूमेरिकल मेजर्स में थ्रू मीन के थ्रू करता है, वेरियंस के थ्रू करता है, जिसको हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। दीज न्यूमेरिकल मेजर्स हेल्प टू समराइज डाटा, ये न्यूमेरिकल मेजर्स तो है, ये डाटा को पढ़ने में, डाटा को समझने में आसानी होता है इससे, समराइज मीन्स संक्षेप में, उसके बारे में जानने में बहुत ईजी होता है। देन फॉर एग्जाम्पल इट वुड बी पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर द इनकम ऑफ ऑल द पीपल इन द डाटा इफ़ द नंबर ऑफ पीपल इज़ वेरी लार्ज, ये बहुत ही इम्पॉसिबल होगा कि आपको इनकम ऑफ पीपल, किसी पीपल के बारे में उसकी कितनी इनकम है ये जानना, जब बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है एक एक पर्सन के बारे में जानना कि इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम कितनी कितनी है, तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। येट वन कैन रिमेंबर ईजली अ समरी फिगर लाइक द एवरेज इनकम दैट इज ऑब्टेन स्टैटिस्टिकली, लेकिन ये बहुत ही ईजी होगा कि हम जो है उस इनकम को जो है उस इनकम को है एक समरी फिगर में रख दिए, एक एवरेज इनकम में रख दिए, जैसे 50 से 40 इनकी है, 60 से 80 इनकी है, तो ऐसे हमें एक फिगर में रख दिया गया कि 20% जो है इनकी जो इनकम है वो 40 से 50,000 के बीच में, इन लोग की 50 से 60, ये ज़्यादा इजी रहेगा ऐसे। और ये कैसे पॉसिबल है, जब हम उस डाटा को, उस इकोनॉमिक डाटा को जब हम स्टैटिस्टिक्स डाटा में जब हम रखते हैं तब ये चीज़ पॉसिबल होता है। क्वाइट ऑफन स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स,
स्टैटिस्टिक्स जो है ये यूज़ किया जाता है फाइंडिंग द रिलेशनशिप जानने के लिए बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स। एन इकोनॉमिस्ट मे बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड टू द डिमांड फॉर द कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ये ऑल्सो स्टैटिस्टिक यूज़ होता है ये जानने में कि उस प्राइस का जो डिमांड है कब इंक्रीज हुआ कब डिक्रीज हुआ, और वुड द सप्लाई ऑफ कमोडिटी बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन इट्स ओन प्राइस, कि जो जो कोई भी सामान की प्राइस होती है वो कब अफेक्ट हो रही है, ये भी जानने के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज व्हेन द एवरेज इनकम इंक्रीजेस, जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होता है जब एवरेज इनकम इंक्रीज होती है। व्हाट हैपन टू द जनरल प्राइस लेवल व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, जनरल प्राइस लेवल का क्या होता है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। सच क्वेश्चन कैन ओनली बी आंसर्ड इफ़ एनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर दैट हैव बीन स्टेटेड अबव, ये तभी पॉसिबल है ये सारी चीज़ें जानना जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टैटिस्टिक्स के साथ ऐड करते हैं, जब हम उसको उसके साथ जोड़ते हैं। वेदर सच रिलेशनशिप एग्जिस्ट और नॉट कैन बी ईजिली वेरीफाइड बाई अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड टू देयर डाटा, ये सारी चीज़ें हम ईजिली फॉलो कर सकते हैं जो कि मैंने अभी बताया जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करेंगे। इन सम केसेस द इकोनॉमिस्ट माइट अज्यूम सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड लाइक टू टेस्ट वेदर द एजम्पशन शी और ही मेड अबाउट द रिलेशनशिप इज वैलिड और नॉट, द इकोनॉमिस्ट कैन डू दिस ओनली बाई यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इन अनदर इंस्टेंस इकोनॉमिस्ट माइट बी इंटरेस्टेड इन predicting the changes in one economic factor due to the change in another economic factor, जो economist हैं वो also इस चीज़ को predict कर सकते हैं, ये चीज़ जान सकते हैं कि change in one, जब कोई भी economic factor, एक economic factor जब change होता है तो उसकी वजह से और कौन कौन से factors को change करना पड़ेगा, ये भी हम statistical method के थ्रू जान सकते हैं। For example, he or she might be interested in knowing the impact of today's investment on the national income, एक बंदे को जो है एक उसको इंटरेस्ट रहता है ये जानने में कि इम्पैक्ट ऑफ आज का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे ऑन द नेशनल इनकम, इन वो इम्पैक्ट कैसे करेगा नेशनल इनकम को इन फ्यूचर। सच एन एक्सरसाइज कैन नॉट बी अंडरटेकन विदाउट द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये जो है तभी पॉसिबल है जानना जब हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे इकोनॉमिक्स स्टडीज़ में। समटाइम्स फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, फॉर्मुलेशन मीन्स सूत्रीकरण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल एन इकोनॉमिक प्लानर हैज़ टू डिसाइड इन 2017 हाउ मैनी द इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस इन 2020। इन अदर वर्ड वन मस्ट नो वॉट कुड बी एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कंजम्पशन, क्या लेवल होगा कंजम्पशन का कंज्यूम करने का इन 2020 इन ऑर्डर टू डिसाइड द प्रोडक्शन प्लान ऑफ द इकोनॉमी फॉर 2020। जब हमें ये पता रहेगा कि कंजम्पशन 2020 में क्या रहेगा, उसी के थ्रू हम प्रोडक्शन करेंगे उस 2020 के ईयर में, जब हमें ये जानना है तो क्या यूज़ करना है, स्टैटिस्टिक्स मेथड। इन दिस सिचुएशन वन माइट मेक सब्जेक्टिव जजमेंट बेस्ड ऑन द गेस व्हाट कंजम्पशन इन 2020। अल्टरनेटिव वन माइट, कुछ लोग होते हैं एक गैस कर लेते हैं कि इतना कंजप्शन होगा तो हमें इतना प्रोडक्शन करना है, लेकिन उसी जगह पे कुछ लोग होते हैं जो कि एक डाटा निकालते हैं, एक इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उसको स्टैटिस्टिक्स में के मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड जो भी यूज़ होता है इस मेथड को यूज़ करके सॉल्व करते हैं, ये जानने के लिए कि कितना कंजप्शन हमें यूज़ चाहिए 2020 में जिसके लिए हमें इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा सेम ईयर में 2020 में।
देखिए इन 2020 दैट कुड बी बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ कंजम्पशन ऑफ पास्ट ईयर्स और रिसेंट ईयर्स ऑब्टेन्ड बाई सर्वे। अब ये कैसे पॉसिबल है, जब हम पास्ट ईयर्स के बारे में, जो पिछला ईयर जो बीता हुआ है उसके, जब हम उस डाटा को कलेक्ट करेंगे तब हमें जाके पता चलेगा कि कितना प्रोडक्ट हमें कंज्यूम करना है और कितना प्रोडक्शन हमें उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए बनाना है, प्रोड्यूस करना है। ये कैसे पता चलेगा, थ्रू अ स्टैटिस्टिकल मेथड। नाउ कंक्लूजन, नाउ द लास्ट टॉपिक वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन। टुडे वी इंक्रीजिंगली यूज स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज राइजिंग प्राइसेस, ग्रोइंग पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा। स्टैटिस्टिक्स आज के ज़माने में यूज़ किया जाता है ये जानने के लिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी, राइजिंग प्राइसेस को, ग्रोइंग पॉपुलेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉवर्टी में, टू फाइंड मेजर्स डैट कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम, जो मैंने अभी आपको बताया। फर्दर इट ऑल्सो हेल्प टू इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ सच पॉलिसीज इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये भी हमें हेल्प करता है स्टैटिस्टिकल मैथड कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में कि इस प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, किस रूल्स एंड रेगुलेशन को, किस पॉलिसी को फॉलो करते हुए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। For example, it can be ascertained easily using statistical techniques whether the policy of family planning is effective in checking the problem of ever-growing population. ये statistical method जो है ये भी हमें find out करने के लिए बहुत ही अच्छा method है। क्या find out problem of ever-growing population, जो population बढ़ रही है उसको find out करने के लिए भी statistical method बहुत ही important है। In economic policies, statistics plays a vital role in decision making. जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, रूल्स एंड रेगुलेशन में स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जांपल, इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, इट माइट बी नेसेसरी टू डिसाइड हाउ मच ऑयल इंडिया शुड इंपोर्ट इन 2025। द डिसीजन टू इम्पोर्ट वुड डिपेंड ऑन द एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड The likely demand for oil in 2020. Without the use of statistics, it cannot be determined what the expected domestic production of oil and the likely demand for it would be. हम बिना ये स्टैटिस्टिक्स मेथड को यूज़ किए ये हम नहीं जान सकते हैं कि हमारा जो डिमांड है ऑयल का वो कितना होना चाहिए। Thus, the decision to import oil cannot be made unless we know the actual requirement of oil. हम decision जो है oil, मतलब oil को हम कितना import कर रहे हैं अपने country में, ये decision तभी हम ले सकते हैं जब हमें ये पता हो कि कितना requirement हमें अपने country के लिए चाहिए। This vital information that helps to make the decision to import oil can only be obtained statistically. ये information हमें सिर्फ statistically ही पता चल सकती है। So here we have completed our chapter number 1 introduction. So student, read this chapter and I will giving you notes in PDF form. ठीक है, I am giving you notes attached with this video in PDF form with the notes. You have to complete these question and answer, ठीक है, and if you find any difficulty while solving this question and answer, if you are not getting any answer of this question, then directly call me so that I will give you the answer. Okay, thank you students.